उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय सांसद और भारत की कला को जिन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से एक वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दी और ब्रज क्षेत्र के प्रति जिनका विशेष अनुराग है, ऐसी सम्माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, अध्यक्ष गौद्योग केंद्र महेश चंद गुप्ता जी, अध्यक्ष स्मारक समिति श्री मधुसूदन दादू जी, अध्यक्ष मेला समिति श्री सोहनलाल जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता जी, प्रगतिशील किसान श्री दीपचंद जी, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय महेंद्र जी, प्रांत प्रचारक और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पैतृक भूमि फरहा में आयोजित उनकी पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस मेले में मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, भारत माता के इस महान सपूत के चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार 25 सितंबर की तिथि को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन जब हम पंचांग की तिथि के अनुसार जाते हैं तो अश्विन कृष्ण त्रयोदशी जो कल पड़ेगी, लेकिन दो दिवसीय मेले के उद्घाटन के कार्यक्रम के साथ जिन लोगों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना जीवन जिया था, जिनके उत्थान के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था, उस भारत और भारतीयता के लिए अपने पसीने से, अपने परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से भारत के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले अन्नदाता किसानों के सम्मान की दृष्टि से यह कार्यक्रम स्मारक समिति के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मैं इसके लिए स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस धरा को नमन करता हूं जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष को अपनी धरा पर जन्म लेने का एक अवसर दिया। वैसे भी हमारी ब्रजभूमि अनेक ऐसे महापुरुषों को, समाज और राष्ट्र को प्रदान करने वाली भूमि है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इसी ब्रजभूमि में आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अपनी संपूर्ण लीला के साथ अपना अवतरण दिया था। आज भी उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई जो उपदेश थे, वे भी आज 5000 वर्षों के बाद भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने 5000 वर्ष पहले थे। भारत की समृद्ध पौराणिक और समृद्ध संस्कृति का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है, और ब्रजभूमि में तो रज रज में, कण कण में प्रभु का वास है, उनकी कृपा बसती है, उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई है, देश और दुनिया यहां आती है,
ब्रजतीर्थ विकास परिषद के माध्यम से जहां डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाना चाहती है, वहीं हम सबका सौभाग्य है कि आज जिस विचार प्रवाह के साथ हम जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, भारत को भारतीयता की भावना के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके प्रेरक पुरुष एक ऐसे महापुरुष की पावन जयंती का, जिसकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य इस फरहा गांव को है, उनके इस पावन जयंती कार्यक्रम में इन किसान बंधुओं के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से भारत को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत को खाद्यान्न के रूप में न केवल अपने नागरिकों को, दुनिया की लोकतांत्रिक रूप से जीने वाली इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बल्कि भारत की धरती की इन संभावनाओं को अपनी मेहनत से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ साथ अतिरिक्त खाद्यान्न को हम दुनिया के देशों में भी निर्यात कर सकें, उन सभी अन्नदाता किसान भाई और बहनों के साथ आज संवाद बनाने का, एक कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे, उनका नारा ही बहुत, यानी जो सामान्य भाषा में लोग समझ सकते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आप अनुमान कर सकते हैं, हर हाथ को काम का मतलब हर नौजवान के हाथ को रचनात्मक दिशा मिलनी चाहिए, यानी युवाओं के प्रति उनके मन में क्या भाव है कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए, और हर खेत को पानी, यानी हर खेत को अगर किसान, अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए, तो हमारे यहां की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है, और यही तो किया है। आपने देखा होगा डबल इंजन सरकार इन्हीं सब कार्यों को समर्पित होकर के कार्य कर रही है, इन्हीं मूल्यों को लेकर काम कर रही है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मिशन रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जा रही है, उनके लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। एक ओर यह कार्य, दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य पूरी मजबूती के साथ हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार की उपलब्धता के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, एक ओर जहां युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी का एक उदाहरण है, वह कार्यक्रम भी अनेक प्रकार से उपयोगी साबित होने जा रहा है, और फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक माध्यम बनने वाला है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारत का यह जुड़ाव उसी सपने को साकार करने के लिए है जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था।
अन्नदाता किसानों के लिए, याद करिए हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के परीक्षण की बात तो करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जो धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती देती है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता आजादी के बाद कभी नहीं हो पाई। पहली बार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हुई कि जिस धरती माता से, जिस धरती को हम मां कहते हैं, उस धरती माता के स्वास्थ्य का परीक्षण भी होना चाहिए, और सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके माध्यम से भी किसानों को जोड़ने का प्रयास हुआ। अगर खड़ी फसल किसी आपदा की चपेट में आ जाए तो उस किसान को उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है, एक बड़ी संख्या है। और याद करिए उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही सबसे पहला कार्य सरकार ने किया था, डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहला कार्य किया था लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। यह उसी श्रृंखला का हिस्सा था कि हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या न करे, उनके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। MSP लागत का 1.5 गुना दाम मिले, आजादी के बाद पहली बार यह प्रभावी ढंग से लागू हो पाया, तो हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान बना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश के अंदर 2,62,00,000 किसान अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे DBT के माध्यम से उन अन्नदाता